मायावती जी ने अखिलेश यादव जी के साथ टेलीफोन पर बात की है। जय हिंद दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने आपको एसपी और बीएसपी के गठबंधन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच में जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो 47-47 सीटों का हुआ है। हालांकि दोस्तों यूपी की लोकसभा के अंदर इतनी ज्यादा सीटें है ही नहीं। दोस्तों जो सीटों का बंटवारा हुआ था वो 37-37 सीटों का हुआ था। मैंने गलती से 37-37 के जगह 47-47 बोल दिया था। दोस्तों वीडियो बनाते समय मैं इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया, एडिटिंग के समय भी ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि मैं जल्दी में था और आपको पता ही होगा जल्दी का काम खराब ही होता है, इसलिए और मैंने वीडियो अपलोड कर दी। उसके बाद मेरे कुछ शुभचिंतक भाई लोग हैं जो मेरी वीडियो को देखते रहते हैं, उन्होंने मुझे नीचे कमेंट करके बता दिया इस बारे में। तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ कि वो 47-47 की जगह मेरे को 37-37 बोलना था। दोस्तों आगे भी भविष्य में मुझसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है तो प्लीज आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता दिया करें, इससे मुझे अपने आप को डेवलप करने में और मेरी गलतियां सुधारने का मुझे मौका मिल जाता है और मुझे पता चल जाता है मैं कहां कहां गलतियां कर रहा हूं। तो प्लीज दोस्तों मुझे उस बात के लिए माफ कर देना और चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों बहुजन समाज के लिए जो सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से। दोस्तों आप लोग भी चंद्रकला को तो जानती होंगे, जो बहुत फेमस आईएएस अधिकारी है और वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है और काफी ज्यादा फेमस भी है। दोस्तों एक मामला है हमीरपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया और फतेहपुर में अवैध खनन का, जो कि 2011 से लेकर 2016 के बीच में हुआ था। दोस्तों उस समय बी चंद्रकला जी हमीरपुर की डीएम थी। तो दोस्तों उन पर आरोप लगाया है सीबीआई ने कि उनके डीएम रहते हुए हमीरपुर से अवैध खनन हुआ है और दोस्तों इसी बारे में उनके घर पे छापा मारा गया। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ इस बारे में। दोस्तों जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके जांच के आदेश दिए थे, जब डेट थी 28 जुलाई 2016, और आज 2.5 साल बाद सीबीआई को पता नहीं क्या जुनून ज्यादा है जांच करने का कि जैसे गठबंधन तय होता है जांच शुरू हो जाती है बी चंद्रकला के ऊपर, क्योंकि वो एक भोजन समाज की आईपीएस है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि वो नेता और ऑफिसर को हड़काते रहती है। दोस्तों चंद्रकला जी के साथ साथ दो समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी थे, उनके घर भी दबिश दी गई। दोस्तों मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि 2.5 साल बाद इस मुद्दे को उठाना और गठबंधन तय होने के बाद आप लोगों को क्या दर्शाता है, क्योंकि दोस्तों ये जांच जो सीबीआई जांच कर रही है ये जांच 2.5 साल पहले से शुरू की जा सकती थी, 2.5 साल बाद ही क्यों शुरू करी इन लोगों ने। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों उस समय जो सरकार थी वो थी माननीय अखिलेश यादव जी की, वो उस समय मुख्यमंत्री थे यूपी के। तो दोस्तों इस जांच का असर सीधा सीधा अखिलेश यादव जी की छवि खराब कर सकता है और ये बातें भली भांति बीजेपी जानती है, इसलिए उन्होंने इस समय ये जांचें करवाना शुरू किया है। मुझे तो ऐसा लगता है, आप लोगों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करिएगा। दोस्तों इस बारे में अखिलेश यादव जी खुल के सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से बीजेपी डर गई है, इसलिए ये सब सीबीआई जांचें करवा रही है और लोगों को फंसा रही है। जो पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल पूछे थे तो मैं आप लोगों को उसकी एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, ये वीडियो है द पॉइंट का। अरे हम तो कहते हैं छापामारी क्यों, पूछ लो जो करना है पूछने की, लेकिन याद रहे बीजेपी के लोग भी जो संस्कृति छोड़ करके जा रहे हो उस संस्कृति का आपको भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं हम ये देखिए सवाल ये नहीं है कि पॉलिटिकल फायदा मिलेगा नुकसान होगा, 100 दिन की बात है, 100 दिन में जनता में जाना है, सीबीआई थोड़ी चुनाव जिताती है, सीबीआई तो हमसे पूछताछ करेगी, जो जवाब देना होगा हम देंगे। दोस्तों इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगली जो अपडेट है वो आ रही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की तरफ से। दोस्तों जिस तरह से ये जांच की जा रही है सीबीआई जांच, इसको लेकर मायावती जी का साफ साफ कहना है कि अखिलेश यादव जी को डरने की कोई जरूरत नहीं है और बीएसपी उनके साथ है। दोस्तों मायावती जी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार मायावती जी ने अखिलेश यादव जी के साथ टेलीफोन पर बात की है। बीजेपी द्वारा इस घिनौनी राजनीति और चुनावी हथकंडा कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह बीजेपी वालों का पुराना हथकंडा है, इस देश की जनता अच्छी तरीके से यह बात समझती है। मायावती जी ने आगे टेलीफोन पर बात करते हुए कहा कि बीएसपी आंदोलन का भुक्त भोगी रहा है, इससे घबराने की बात नहीं है, बल्कि हम सबको मिलकर इसका डटकर सामना करना है। दोस्तों ये बातें मायावती जी ने टेलीफोन पर अखिलेश यादव जी को कही थी। दोस्तों आप लोग इस अपडेट से देख सकते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी
फुल सपोर्ट में आ गई है अखिलेश यादव जी के। तो दोस्तों मेरे ख्याल से गठबंधन तो पक्का है, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट जरूर करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, बिना कहीं पर मत जाना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन और बढ़ा देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि भोजन समाज के हर व्यक्ति को ये खबर मिल पाए तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और बाजू में नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन है उसे भी दबा दीजिए, हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।